हेलो फ्रेंड्स, द स्वादिष्ट किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए सबसे डिफरेंट रेसिपी लेके आई हूँ, जिसका नाम है फिश करी के साथ गोभी, गोभी विथ फिश करी। तो चलिए, इसके लिए हमने क्या क्या लिया है तो चलिए पहले देख लेते हैं। तो मैंने पहले 1 kg फ्रेश रोहू फिश लिया है, उसको अच्छे से पानी से साफ कर लिया है। उसके बाद मैंने 1 kg फिश में 200 ग्राम गोभी के फूल लिए हैं, उसे भी छोटे छोटे पीसेज में काट के अच्छे से साफ कर लिया है। फ्रेंड्स, एक बड़ा सा बर्तन लेंगे जिसमें हम फिश को रख के अच्छे से मिक्स करेंगे। उसमें और भी कुछ मसाले वगैरह ऐड करके मैं उसमें मिक्स करूँगी। तो चलिए इसे मिक्स करते हैं। तो इसके लिए मैंने बड़े बाउल में जो बड़ा सा बर्तन लिया है, मैंने बड़ा सा भगोना लिया है, उसमें मैं जो फिश लिए थे मैंने वो सारे फिश को मैं डाल दी हूँ। उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। मसालों में जैसे कि मैंने 1 छोटी चम्मच मसालदानी का जो चम्मच होता है उससे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 से 1.5 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच के करीब, 1/2 बड़े चम्मच के करीब मैंने इसमें गेहूं का आटा मिक्स किया है। मैं मछली बनाने टाइम गेहूं का आटा ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इससे मछली जो होता है तलने में बहुत आसानी होती है, मछली जो हमारा बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होता है। इसलिए आप 1/2 चम्मच आटा, गेहूं का आटा ही डाल लें। इसके बाद जो मैंने गोभी को साफ करके रखा था, उस गोभी को भी मैं बाउल में साथ में डाल लूँगी और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। सारे मसाले अच्छे से मिल जाने चाहिए, सब में एक दूसरे में एक लेयर सी बन जानी चाहिए, सारे मसाले एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले को अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, एक दूसरे पे सारे पे अच्छे से कोटिंग हो गई है, गोभी पे भी अच्छे से हमें कोटिंग कर देनी है। अब सारे मसालों में जब कोटिंग हो गई है, मसालों की कोटिंग हो गई है, तो मैं कढ़ाई गर्म होने के बाद मैं उसमें 3 से 4 बड़े चम्मच के करीब मैं उसमें तेल डाल दी हूँ। तेल को चेक कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट तेल को रहने देते हैं, फिर 2 से 3 मिनट के बाद हम तेल को चेक कर लेते हैं कि तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने तेल को चेक किया, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं एक एक करके सबसे पहले गोभी को फ्राई कर लेती हूँ। तेल में डालने के बाद मैं इसे इसे अलट पलट के अच्छे से फ्राई कर लूँगी। गैस का फ्लेम, एक चीज़ का ध्यान रखें, गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, गोभी हमारा पक चुका है और गोभी हमारा लगभग फ्राई भी हो गया है। तब हम गोभी को एक बर्तन में निकाल लेंगे। गोभी को बस हमें इतना ही फ्राई करना है, इससे है कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है मछली में। फ्रेंड्स, अगर आप गोभी के साथ मछली एक बार बना के घर में खिलाओ तो सही। अब मैं एक एक करके सारे फिश को रख के फ्राई कर लूंगी। एक बार में ध्यान रखें जो 4 से 5 ही पीस डालें, ज़्यादा डालने पे मछली की जो पीसेज होते हैं वो टूटने लगते हैं, इसलिए 4 से 5 पीसेज डाल के एक बार में फ्राई करें। मछली को भी ऐसे ही अलट पलट के हम फ्राई कर लेंगे। मछली को बीच में पलट के चेक भी कर लेना है कि मेरा मछली फ्राई हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी ये अच्छे से फ्राई नहीं हुआ है, बट मैंने एक साइड से इसे पलट दिया है। एक बार का मछली फ्राई होने में 5 से 10 मिनट लग जाते हैं हमें। इसको अच्छे से क्रिस्पी करना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा मछली फ्राई हो गया, एकदम रेड करके फ्राई करना है इसे, रेड होने तक इसे अच्छे से फ्राई करना है। देखिए फ्रेंड्स, अच्छे से मछली हमारा रेड हो चुका था। अब मैं दूसरी टर्न की मछली डाल दूंगी।
ऐसे ही करके सारे मछली को एकदम डीप फ्राई करना है हमें, रेड करके अच्छे से फ्राई करना है। दूसरी टन की भी मछली मैंने डाल दी है। अब दूसरी टन की जब तक मछली फ्राई हो रही है तब तक मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। मसालों के लिए मैंने 3 मीडियम साइज़ के लहसुन की कलियाँ ली थी, उसे मैं उनके छिलके पूरे अच्छे से नहीं हटाऊँगी, ऊपर के पतले वाले छिलके हटा के मैं उसमें मिक्सी जार में डाल दूँगी। 1 मीडियम साइज़ का प्याज को भी मैंने कट करके रख लिया है। 3 चम्मच के करीब मैं सरसों डालूँगी, 1/2 चम्मच जीरा और इन सब का मैं पेस्ट बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा पेस्ट बनके तैयार हो गया है और मछली भी मेरी फ्राई हो गई है। मछली को एक बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम तड़का लगाते हैं। तड़के के लिए मैं 1 चम्मच सरसों या राई, आपके पास जो अवेलेबल हो वो चीज़ ले सकते हैं। 1 से 2 लाल मिर्च या सूखी मिर्च, आपके पास जो चीज़ हो वो भी आप ले सकते हैं। अब मैं इसमें जो मसाले पीस के रखे थे मैंने, उस मसालों को मैं डाल दूंगी। अब इसमें कुछ एक्स्ट्रा मसाले ऐड करूंगी। एक्स्ट्रा मसाले में जैसे 1/2 छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाला है, नमक टेस्ट अनुसार डालें आप, नमक उस मछली में भी डाला है इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग डालें। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप भी मेरे अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। अगर आप तीखा नहीं पसंद करते हैं तो आप इससे कम भी मिर्ची डाल सकते हैं। मैंने 3 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाले हैं। अब इन सबको सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करके चलाते हुए फ्राई करना है। कंटिन्यू चलाते रहें, मसाले को अच्छे से हमें फ्राई करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मसाला आपका अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो उसकी एक और पहचान होती है। जब आप बर्तन में जब कढ़ाई में चला रहे हैं तो उस टाइम है ना, वो मसाला आसानी से हल्के हाथों से भी खुरचने पे निकल जाता है। अगर आपका मसाला नहीं फ्राई हुआ है तो वो बर्तन में चिपकता है ज़्यादा, इसलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा मसाला फ्राई हो चुका है, ये बर्तन में हल्के हाथों से भी निकल जा रहा है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसमें मसाला फ्राई होने के बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी 1 kg मछली है तो उसके अकॉर्डिंग हम पानी डालेंगे। तो मैं इसमें 1.5 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद गोभी को पहले ही हम डाल देंगे ताकि गोभी जब इसमें उबाल आए उस समय तक थोड़ा सा पक जाए, गोभी में अच्छे से पानी चला जाए। गोभी डालने के बाद जब ग्रेवी में उबाल आ जाए उसके बाद हम एक एक करके मछली डालेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ग्रेवी में उबाल आ चुका है। अब मैं उसमें सारे मछली को डाल दी हूँ। सारी मछली एक एक करके मैंने डाल दिए हैं। मछली डालने के बाद मैं इसे 5 मिनट तक के लिए उबलने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता भी रख दी हूँ गार्निशिंग के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी मछली बनके बिल्कुल रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आपको आज की हमारी रेसिपी रोहू फिश विथ गोभी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, हमारे घर में तो आए दिन मछली गोभी बनते रहता है, तो अगर आपको भी पसंद आए तो आप भी अपने घर में बनाएं, ज़रूर खिलाएं सबको और इंजॉय करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।